Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss educational implications of GENS. In my last video, I have already discussed with you all the concept of GENSism, the epistemology and metaphysics and aesthetics or values, ethics and morality of GENSism. And in this video, I will cover the educational implications of GENSism. Okay, because in long questions has been asked, you have to discuss the educational implications of GENSism too. यानी कि जैन दर्शन का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? मतलब कि जैन दर्शन ने जो हमको शिक्षाएं दी हैं, उनको अगर हम आत्मसात करते हैं, अंगीकृत करते हैं, तो वो उससे हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से सुधार सकते हैं? क्या जैन दर्शन चाहता है कि शिक्षा के बाद शिक्षार्थी इस तरह से हो जाए, समाज ऐसा हो, बच्चों में ये गुण हो स्टूडेंट्स में, है ना? तो पिछला वीडियो चूंकि बहुत लंबा था, इसलिए एजुकेशनल इम्प्लिकेशन को अलग कर दिया मैंने. जैनिज्म को समझने के लिए आपसे बात हो गई है कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो हेट्रोडॉक्स फिलोसफी है, वो बात करते हैं कि इंद्रियों को हमको जीतना है, हमको सारे राग द्वेष से मुक्त होना है, और उसके लिए बहुत सारे सच्चरित्रार्थ उन्होंने बताए हैं कि आप राइट फेथ करिए, सही चीज में विश्वास करिए, राइट नॉलेज को समझिए, राइट कंडक्ट करिए, और भी बहुत सारे हैं जिनको कि अलग अलग नाम दिए गए, अनुव्रत और इस तरीके से. तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? शैक्षिक निहितार्थ के क्रम में अगर हम देखें तो वो जैन दर्शन वाले मानते हैं, जैन दर्शन मानता है कि वैलिड नॉलेज इज ऑफ टू काइंड्स. वो कह रहे हैं कि जो वैध ज्ञान है वो दो प्रकार का होता है, इमीडिएट नॉलेज जिसको आप परसेप्शन कह सकते हैं, एंड मीडिएट और इनडायरेक्ट नॉलेज, यानी कि तुरंत त्वरित हासिल करने वाला ज्ञान और जो ज्ञान तुरंत नहीं हासिल हो रहा है उस तरीके का ज्ञान. तो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन को दोनों ही ज्ञानों के बैलेंसिंग पे, प्रोपोर्शन पे, इक्वल प्रोपोर्शन देते हुए स्ट्रेस करना है. यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो इमीडिएट नॉलेज, यानी कि जो परसेप्शन से ज्ञान हासिल हो रहा है जिसको आप परसेप्शन कह रहे हैं, उस पर भी ध्यान दे, और इमीडिएट और इनडायरेक्ट नॉलेज के विकास पर भी ध्यान दे. द रिजल्ट ऑफ वैलिड नॉलेज इज द सीसेशन ऑफ इग्नोरेंस, avoidance of evil, selection of good and indifference. वो कह रहे हैं कि valid knowledge से होगा क्या? valid knowledge से आपके अज्ञान की समाप्ति हो जाएगी, बुराइयों से आप दूर रह सकेंगे, आप सही का चुनाव कर सकेंगे और आप उदासीन रहेंगे बाकी चीजों के प्रति. It is partly distinct and partly non-distinct from valid knowledge. Attainment of valid knowledge is the aim of education. वो कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो शिक्षार्थी है उसमें वैध नॉलेज को वो अंगीकार कर ले, वैध नॉलेज को, वैध ज्ञान को ग्रहण कर सके. फिर वो क्या कह रहे हैं, जो सबसे खास बात इनकी थ्योरी को, जो जैन फिलोसफी को एकदम डिस्टिंक्ट बनाता है, सबसे विशिष्ट बनाता है, जो अति विशिष्ट गुण है इसका, वो वही है स्यागवाद. ये कह रहे हैं कि जैन्स डेवलप देयर एजुकेशनल सिस्टम थ्रू ए रिलेटिविस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग एन ऑब्जेक्ट और कंसेप्ट इन लर्निंग. यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु है, कोई भी कंसेप्ट है, आप उसको पढ़ने जा रहे हैं तो एक रिलेटिविस्टिक अप्रोच से पढ़िए. यानी कि इस अप्रोच से पढ़िए कि आपको उसके बारे में सब कुछ नहीं पता है, आप सारे एंगल से उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो इस तरह से ब्रॉड आउटलुक है इनका. विच स्पीक्स फॉर द रेडिकल पेडागॉजी ऑफ द मॉडर्न एरा. इट इज ड्रिवन बाई फ्री थिंकिंग एंड एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. यानी कि ये आपके एंगल को और ब्रॉड बनाते हैं, आपके विजन को और विस्तृत करते हैं. ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत 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 विविध पर्सपेक्टिव, विविध परिदृश्यों से देखकर ही समझा जा सकता है. ट्रुथ इज रिलेटिविस्टिक एंड प्लूरलिस्ट. ये एक तरीके से किसके समकक्ष हो गए? ये एक तरीके से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के समकक्ष हो गए, जो वो कहती है कि जो सत्य है वो रिलेटिविस्टिक है, वो सापेक्ष है. जो मेरा सत्य है वो आपका सत्य नहीं हो सकता है, सत्य एब्सोल्यूट नहीं होता है. एंड प्लूरलिस्ट, और बहुत लोगों के लिए वही चीज, वही बात अलग अलग तरीके से सत्य है. तो इस बात को जैन दर्शन कहता है. व्हाट इज ट्रू टू सम मे नॉट बी ट्रू फॉर अदर्स. जो मेरे लिए सत्य है वो आपके लिए सत्य नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए जो आपका एंगल है वो सत्य होगा, तीसरे आदमी ने जिस एंगल से देखा उसके लिए वो सत्य है. सब लोग एक ही एंगल से नहीं देख सकते किसी चीज को. नॉलेज देयरफॉर मे बी व्यूड डिफरेंटली. इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञान को भी बहुत तरीके से देखा जाता है. स्टूडेंट्स मस्ट बी टॉट टू व्यू थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. इसीलिए कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को चीजों को हल विभिन्न परिदृश्यों से देखने के लिए सिखाना चाहिए. दे शुड बी ओपन माइंडेड
एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट डिफरेंट ओपिनियंस. वो कह रहे हैं कि उनको ओपन माइंडेड होना चाहिए, मस्तिष्क के अपने पट खोल के रखने चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों को अंगीकार कर सकें और दूसरों के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने के लिए भी इच्छुक हो. देखिए छोटा सा ये पैराग्राफ है, इसमें कितनी सारी बातें आ गई. इसमें फ्री थिंकिंग की बात है, इसमें रिलेटिविस्टिक की बात है, इसमें प्लूरलिस्ट की बात है, डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की बात है, डिफरेंट परस्पेक्टिव की बात है, कितनी सारी. तो आप अगर आप इसको जोड़ें तो आप इसको कंस्ट्रक्टिविज्म से जोड़ सकते हैं, आप इसको क्रिटिकल पेडागॉजी से जोड़ सकते हैं, आप इसको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी से जोड़ सकते हैं, आप इसको ब्रॉड आउटलुक, कैथोलिक आउटलुक एंड ओपन माइंडेडनेस से जोड़ सकते हैं. तो ये बहुत इसी का एजुकेशनल इंप्लीकेशन आप कई पॉइंट्स में बना सकते हैं इसको और एक्सप्लोर एक्सपैंड करके. और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जैन फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, मैटर इज नोएबल, एंजॉयबल एंड कॉर्पोरियल. दिस इज फ्रेंडली टू द डिसिप्लिन ओरिएंटेड करिकुलम एंड एडवोकेट्स फॉर एम्पिरिसिज्म. एम्पिरिसिज्म का मतलब जिसको आप इंद्रियों से अनुभूत कर सकें. तो कह रहे हैं कि जैन दर्शन के हिसाब से जो द्रव्य है वो उसको जाना जा सकता है. जाना जा सकता है इसका मतलब आप उसको अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं. तो इसलिए कह रहे हैं कि करिकुलम इस तरीके का बनाया जाए जिसमें एम्पिरिसिज्म के लिए स्कोप हो. फिर ये क्या कह रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि जब आप स्वयं को समझेंगे तभी आप कुछ और समझ पाएंगे. इसलिए मैन मस्ट फोकस ऑन डिविनिटी एंड रिमूव द मटेरियल बॉन्ड ऑफ द सोल. ये लोग क्या कहते हैं कि मतलब आत्मा है और परमात्मा से मिलने के बीच में उसमें बहुत सारे बॉन्डेजेस हैं, बहुत सारी उसके बीच में मोह माया और ये सब इच्छा और ये सब आ जाता है. तो वो कह रहे हैं कि आप इन सब से बीच के रास्ते में जो अवरोधक तत्व हैं उनको हटाते जाएंगे तो अपने आप आपका मतलब परमात्मा ईश्वर को ऐसा सच नहीं मानते, लेकिन ये कहते हैं डिविनिटी की जो बात कर रहे हैं कि उससे आप उस पर फोकस कर सकते हैं, ये कह रहे हैं. Therefore, students should be taught to focus on developing their spiritual side and not on material things. इसीलिए कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को हमको ये सिखाना चाहिए कि वो आध्यात्मिक जो साइड है उनका उसके विकास पर ज्यादा फोकस करें, ना कि जो भौतिक चीजें हैं उन पर. ठीक. फिर कह रहे हैं कि एजुकेशन शुड लीड टू सेल्फ एनलाइटनमेंट. जैसे सेल्फ रियलाइजेशन वैसे सेल्फ एनलाइटनमेंट, यानी कि स्वयं का विकास हो, स्वयं को वो प्रज्वलित कर सकें. स्वयं के एनलाइटनमेंट का मतलब उनके अंदर ज्ञान का विकास हो जाए, ज्ञान की अनुभूति हो जाए. स्टूडेंट शुड नॉट स्टडी फॉर द सेक ऑफ मार्क्स और गुड रिपोर्ट रिजल्ट्स. दे शुड स्टडी टू ब्रॉडन देयर माइंड एंड थिंकिंग. यानी कि विद्यार्थियों का फोकस ये नहीं होना चाहिए कि उनके रिजल्ट अच्छे आए, वो क्लास में टॉप करें, उनका बहुत अच्छे मार्क्स और ग्रेड से वो पास हों, बल्कि इसलिए कि उनका माइंड जो ब्रॉडन हो सके, वो दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ सके, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए. स्टडींग शुड बी फॉर द सेक ऑफ गेनिंग न्यू नॉलेज एंड डेवलपिंग वनसेल्फ. और स्टडी किस लिए करना है, अध्ययन किस लिए करना है जैन दर्शन के हिसाब से, कि आपको नया वैध ज्ञान की प्राप्ति हो सके और आप स्वयं का विकास कर सके. और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल. कह रहे हैं कि व्यक्तित्व का एक विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है जैन दर्शन के हिसाब से. हैंस स्कूल्स शुड स्ट्रेस इंडिविजुअल एम्स एंड एम्बिशंस. इसीलिए विद्यालयों को जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंडिविजुअल एम और एम्बिशन को फुलफिल करने का प्रयास करना चाहिए. स्टूडेंट शुड हैव एन इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट. देखिए आज हम बात करते हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम हो, व्यक्ति के हिसाब से हो, बच्चे के हिसाब से हो, लर्नर सेंटर्ड हो, उसके इंटरेस्ट एप्टीट्यूड और स्ट्रेंथ के हिसाब से हो. ये तभी कह रहे हैं कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन बताइए, इंडिविजुअलाइज्ड करिकुलम बताइए जो बच्चे की आवश्यकता और रुचि के हिसाब से हो. और ये स्पिरिचुअल नॉलेज वाली बात हो ही गई कि स्टूडेंट शुड डेवलप स्पिरिचुअल नॉलेज एंड फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी. सद्भावना और तद्भावना हम दूसरे के प्रति डेवलप कर सकें, हम अपने आध्यात्मिक पक्ष का विकास कर सकें. स्टूडेंट्स मस्ट रियलाइज देयर शॉर्टकमिंग्स एंड बैड बिहेवियर. स्टूडेंट शुड एब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट्स. हमको पता चल सके कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम में बुरा व्यवहार कैसे करते हैं, कब करते हैं, और उससे दूर रखने की अपने आप को कोशिश करनी चाहिए. एजुकेशन शुड डेवलप इन स्टूडेंट्स दिस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम बच्चे को ये सिखा सकें कि वो विभेद कर सके क्या सही है और क्या गलत है. हम यही तो नहीं जान पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है. तो जब वो विभेद करना सीख जाएगा तो वो सही को अपना लेगा और बुरे को छोड़ देगा. एजुकेशन शुड इनकलकेट नॉन वायलेंस इज ए वर्च्यू. आपसे पहले भी बात हो चुकी है कि नॉन वायलेंस की जैन धर्म में बहुत प्रधानता है, बहुत महत्ता है. तो कह रहे हैं कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें अहिंसा जो है वो एक गुण के रूप में इनकलकेट किया जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए और सब कुछ उसी के लिए किया जाए जो कि सामाजिक रूप से वांछनीय है. और कह रहे हैं कि जैन्स कंटेंट्स दैट रिकॉग्निशन कैन अप्रिहेंड एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट It apprehends itself. Knowledge like a lamp illuminates itself as well as an external object. मतलब कहने का क्या है कि जो कहते हैं ना कि जैसे जो एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे को जला सकता है, एक पढ़ता हुआ आदमी दूसरे को पढ़ा सकता है. कहने का मतलब कि जो ज्ञान है वो खुद एक लैम्प है, वो अपने आप को भी प्रकाशित करता है और उस अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित करता है. कहने का मतलब कि हमको ज्ञानवान बनने की दिशा में काम करना चाहिए इन अकॉर्डेंस टू जैनिज्म. तो जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे
जैन फिलोसफी का के बारे में पूछते हैं, उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पूछेगा, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आप जैन दर्शन के कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप आज की परिप्रेक्ष्य में सारगर्भित मानते हैं कि वो रेलेवेंट हैं, सार्थक हैं। तो बहुत सारे ओपन माइंडेडनेस, ब्रॉड माइंडेडनेस, सिंपेथी, इम्पेथी, स्पिरिचुअल साइड, नॉन वायलेंस, ये सारा कुछ है जो आज के समाज में के लिए, आज के जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो इन दिस वे आई हैव कवर्ड द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ जैनिज्म। So I have completed the Jainism in totality. Okay. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I have done from my side.